हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और दावनौती के प्यारे से ब्लॉग में। तो आई होप यू आर वेरी वेल। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग। तो गाइस, मैं उन्नति को स्कूल छोड़ के आ चुका हूँ। हमारी राम प्यारी आ गई थी तो उससे आज मैं स्कूल छोड़ आया उसको, और कुछ परेशानियाँ थी स्कूल में उनको भी सॉल्व करके आया हूँ। और अभी ऑफिस से भी ऑफिस का काम भी संभाल के आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है बहुत ज़्यादा भयंकर काम, तो उसकी जिम्मेदारी भी अपन को ही उठानी पड़ेगी पूरी। तो इधर शबनम और प्रगति दोनों खेल रहे हैं कि ऐसी कंडीशन हो जाए, देखो बीच में एक कपड़ा घड़ी चल रही रो लग गया सामान। हाँ, तो ये हाल है इनका। शाम को उधर कपड़ा खोल पटक दिया सामान, मतलब घड़ी का भी कोई टाइम नहीं मिल रहा। नहीं तो दो बच्चे हो जाते हैं, जो संभालना केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ काम होता है। और ये मुझे अब पता लगा, पता कैसे कि ना मुझे सब्जी बनानी पड़ती है, तो मुझे ये पता लगता है कि ये इसको संभालने में आती नहीं है, या तो मुझे सब्जी बनानी पड़ती है, तो ये काम बढ़ जाता है इनका। ये जो कल इसने रात को बर्थडे पे पहने थे ना ये कपड़े इसके, ये कौन सी वाली चुन रही है? ये कोई बाड़ी बाड़ी नहीं है। तो ये बड़ा है क्या? नाती का बड़ा है। ये तो मैंने बनाई है। अच्छा, इसने खुद ने बनाई थी? ओ भाई साहब, क्या मस्त बनाई ये तो। मतलब हल्की हल्की आज पता लगा है, मतलब ये हल्की हल्की स्किनार से आई थी इसमें। ये तो मैंने बनाई है, इधर ये लहंगा, ये भी तूने बनाया? ये भी मैंने बनाया यार। मतलब दिखाना, एक बार ड्रेस दिखाओ दोस्तों को, ड्रेस दिखाओ, पूरा खोल के दिखाओ। यार मैं खोल के था दिखाया था। ये ट्रेंड चल रहा है या फिर पहले के साल, मतलब एक साल और जब वो बनाया है तो तब का ट्रेंड था ये, तब से ला मैंने। सही है। वैसे ये बढ़िया है, हमारी सिलाई का जुगाड़ ये खुद ही कर लेती है, सिलाई मशीन ला रखी है इसको। तो देखो लहंगा बना लिया, ये चुनरी बना ली, जाना क्या क्या जरिए क्या जोड़ दिया इन्होंने अनसन। बाकी मस्त लग रही थी कल तो, यह है ना, बढ़िया चुनरी बढ़िया लग रही थी। तो तुम्हारे शादी भी है, शादी के लिए एक ड्रेस तो पक्की हो गई भाई। ये ड्रेस है, बताओ इनकी पुरानी ड्रेस है पड़ी, और हमें पता आज लग रहा है ताज्जुब होता है। तो बढ़िया है, तो शादी में फैल ले जाता है ना। ले जा मेरे लिए ना, शादा नहीं है। हाँ, ये तो परेशानी है, बस में ट्रेन चलती नहीं है, नहीं तो मैं ट्रेन से भिजवा देते। इधर मिट्टी मिट्टी बोलूंगी मैं तो ढूंढिया क्वार्टर की पताई की वजह से हालत ऐसी हो रखी है। हाँ तो भैया, तो मतलब सारी सारी हमको ही व्यापी है यार। रह रह के काम करवाया मैंने यार, खड़ा होके पूरे क्वार्टर का। ये तो है यार, मतलब सरकार इतना पैसा खर्च करती है, टेंडर मतलब निकाल देती है इनको देने को, तो भैया ये तो अपने हिसाब से करते लेकिन बट मुझे इस देश की चिंता है, मुझे इस राज्य के खजाने की चिंता है, क्योंकि आई एम ए टैक्स पेयर ऑफ दिस स्टेट, यानी कि मैं इस राज्य का टैक्स पेयर हूँ, तो मेरा पैसा खर्च हो रहा है। अगर वो ऐसे ही चला जाए तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और तो इसलिए मैंने रह रह के प्रत्येक चीज़ देखी है मैंने कि कहाँ कैसा काम होगा बिल्कुल सारा। तो इस वजह से आज इस क्वार्टर की हालत एकदम ऐसी ऐसी लग रही है, मतलब कि एकदम कहीं पे भी कोई काम मैंने ऐसे नहीं छोड़ने दिया कि आपको कुछ स्पॉट वगैरह ऐसा कुछ दिख जाए कि भाई कोई गंदा काम किया हो, सारा काम एक नंबर का करवाया है। तो कम से कम सरकार के पैसे का बैटरी यूटिलाइजेशन तो हो, तो ये इस प्रकार से कहीं पे भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ दी थी। ऊपर बहुत तड़ेले चल रही थी, इसमें दरारें आ रखी थी, लेकिन दरारें वगैरह सब मैंने तोड़वा के और जब से दोबारा से सही करवाई है इसका, इसकी भी रिपेयरिंग करवाई थी। तो मतलब सरकार का पैसा तो मैं वेस्टेज नहीं होने देना चाहता बिल्कुल ही, और इधर भी सब एकदम मस्त है। ऐसे लग रहा जैसे कि ना, हमारे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर है, तो वो बता रहे थे कि तुम्हारा तो ऐसा क्वार्टर है, ऐसा है कि ना जीएम का भी नहीं होता उनके वहाँ पे, ऐसा कह रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी मिली थी उस समय, क्योंकि उनके अंग्रेज़ों के ज़माने के क्वार्टर बने हुए हैं, और वो आ गए थे अभी ने 2023 में आके गए थे यहाँ देख के गए थे। तो अब साफ सफाई से वीडियो कॉल और दिखाई ना, तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया कि भाई जी। तो यहाँ तो नए, मतलब नए क्वार्टर है ये, 2010 में नौ में बने थे, 2009 में तो वहाँ के पहले के तो वो तो रहेंगे नहीं, वो तो है बट है ना, अब जो कोई ध्यान भी नहीं, अब जो नई बिल्डिंगे बन रही है ना, जैसे ये जनप्रतिनिधि इनकी, विधायक वगैरह एम पी जिनकी, तो उनकी ऐसी कोठियाँ बन रही है, ऐसा ही कलर हो रहा है। तो ना इस वजह से फीलिंग आती है जब आते हैं ना अंदर के। हाँ भाई, मस्त जगह आए ना, जब अंदर घुसे जब ये
तुम्हारा तो क्वार्टर का आए तो मतलब कोठी है कोठी जब से एक दिन एक वीडियो आपने बोली कोठी वो बड़ी हंसी आई नहीं तो कोठी सी लगती है सरकार ने अच्छा बनाया है तो नए लिटरली घर बने तो नए में तो नए सब जगह ऐसी बन रही है और पहले के वो सारे टूटे फूटे से क्या ऐसे सांप खाओ वो सही पुराने बिजली घर है वो खाए ऐसे ना हाँ नहीं गाइस मैं ऑफिस में आता हूँ देख आता हूँ काम चल रहा है बहुत उधर तो सारी चीजें देखनी है मुझे तो मैं देख आता हूँ काम क्या क्या चल रहा है तो आप बने रहिए हमारे साथ में तब तक के लिए आपको छोड़ जाते हैं हम कुछ आधे बर्तन धोए आधे ना बगैर धुले पड़े रोग लगी बीच में आधे तो तुम चाहते हो हम बर्तन धोए ऐसे तो नहीं कलर सही से मिलाना है ना एकदम झक्कास रौनक आ जाए है हाँ तो आज ये सल्टा देगा कलर पूरा है अरे वाह 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 क्या बात और भैया इधर चल रहा है पानी फिटिंग का काम बाल लगा दिया अच्छा एक नल और लगा देना यार ये नल लगाते हैं यार नल तो फिर बाल लग ही गया ना उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इसमें नली लगा देंगे है ना तो भाई हमारे मनोज सी आज थोड़ी तबीयत खराब है इनकी तो क्या है कि जुकाम सी हो रखी है बाकी ये इनकी देख रेख में चल रहा है ये सारा कार्यक्रम बढ़िया इनका हिसाब क्या है इन्होंने कराए हैं बहुत सारे कार्य हमारे गुरिंदर सिंह जी के गुरमीत सिंह क्या नाम है गुरिंदर सिंह ये हनुमानगढ़ के सारे टेंडर वाले हमारे हनुमानगढ़ से ही आए तो एक पाइप की फिटिंग तो इन्होंने कर दिया ये दूसरा पाइप की फिटिंग इसमें भी ये पार्क के लिए क्या है कि पानी देने की सुविधा हमें बेटर हो जाएगी तो पार्क को हरा भरा चमक एकदम चमकदार बना देंगे हम तो चल रही है इनकी फिटिंग इधर और प्रधान जी क्या हाल है आपके आज किधर का टेंडर है अपना बाहर का पूरा सुलटा दोगे सही से करना है नहीं बढ़िया एकदम है अपना तनी रहा है कलर मिला लिया क्या इसमें अभी नहीं मिला तभी सफेद तो भैया पानी की जो डायरेक्ट सप्लाई थी ना वो बंद पड़ी थी दो तीन साल से आज चालू करवा दिया बेहद खुशी मिली है भाई काम कुछ हुआ है यहाँ बड़ा लीकेज है कोई हाँ वो करना पड़ेगा भाई जी है ना हो सके यार तो भैया मनोज सिंह हमें आज पूछ के खिलाने वाले मनोज सिंह खिला रहे हो क्या तो है नहीं नहीं नटता तू वैसे आज नहीं नटेगा ऑन उसके आ गया है ना तो पूछ के खाएंगे भाई हम तो मनोज सिंह यार है ठीक है यार तो गाइस ऑफिस से मैं आ चुका हूँ और उन्नति भी स्कूल से आ चुकी है और ये प्रगति की मालिश कर दी नहाएगी थोड़ी देर में तो खाना वाना खा के हम रेडी है जो कल को केक बचा था ना उसके कोई ले आई है लड़की और केक कोई दे रही है अभी तो जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक ये खाती रहेगी इसका फेवरेट है वैसे केक पापा आप मेरे बर्थडे पे भी लिया ना हाँ लिया होगा बेटा इस हिसाब से खराब करा कोई और खा नहीं सके है ना बेटा आराम से खा ले कटोरी में लेके हाँ कटोरी में लेके खा लेते ठीक ठीक खा जाना है ना प्रगति बेटी बेबी नाना है ओ नाना है भैया नाना है भैया नाना है बच्चे को नाना है कैसे देखती है गौर से तो क्या करते हो नहीं हिम्मत ही घूर रही आ दीवार ले बेटी कलर बढ़िया कर दिया यार विनोद मजा आ गया है? तो यार विनोद ये क्या चेप दिया क्या? ये रिपेयरिंग हो गया है रामलाल करेगा दिखा दी उसको बोल दिया उसको क्या कह रहा आगे तो नहीं रिपेयरिंग आगे थोड़ी बहुत है वो भी करवाऊंगा है ना करवाना तभी रंग आएगा ढंग से बस बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा काम वाह यार
काम बहुत करते हो प्रधान जी आप। तो भैया आज का ब्लॉग करते हैं यही समाप्त। जय हिंद जय भारत। चमक जाएगा ये, है ना।